हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 जो एनुअल में होने वाला है उसका जो है मॉडल से प्रथमास करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले देख लीजिए क्योंकि जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कौन से सब्जेक्ट है ये? आज हिस्ट्री का मॉडल से प्रथम है। और आपका जो पूर्णांक है जो 100 मार्क्स का है, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो देखो यहाँ पर कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी जो है विद्यार्थी को जो है कहा जा रहा है कि अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी गैस पेपर वाला जो है रटने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है खुद का भाषा होना चाहिए, तब आपको अंक जो है मार्क्स जो है अच्छा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वही है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए जो है परीक्षार्थी को 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट में जो है 15 मिनट जो है आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए ये समय आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है। अब देखो यहाँ पर 7 बस 19 प्रश्न हैं जिनमें से किन्हीं जो है 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी आपको जो एग्ज़ाम में हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यानी आपको जो 50 क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये एकदम 100% करेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा, उसी का आप लोग आंसर देना है, सिर्फ 50 क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे देंगे तो आपको मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर देंगे वो कहाँ पर देंगे? OMR पर आपको देना है। और OMR जो है आपको बॉल पेन, यानी जो वो पेन ले जाना है जिसे आप लोग ऐसे जैसे पूरा अगर फिल करेंगे तो आपको उसको इधर से उधर बाहर ना लिख ले, वो पेन लगकर आपको एग्ज़ाम में जाना है। तो ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया वही बॉल पेन के द्वारा ही लिया गया। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। अब देखो ओ में तो आपको 60 ऑब्जेक्टिव हो गया, अब बॉ में कहता है 27 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जिनका जो है 2 मार्क्स आपको निर्धारित रहेगा, और 27 प्रश्न में से जो है आपको 15 प्रश्न का ही उत्तर देना अनिवार्य है, यानी जो है 27 में से आपको 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और वो भी 2 मार्क्स का है, यानी 30 नंबर का आपको यहीं से लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं जिसमें से जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 5 अंक जो है निर्धारित है, यानी 8 दीर्घ उत्तरीय है उसमें से जो आपको 4 का उत्तर देना है, और उसमें जो है आपको 5 अंक यानी 5 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, यानी 50 मार्क्स ये हो गया। क्योंकि अगर आपको 27 क्वेश्चन तो यहाँ लघु उत्तरीय में से आपको 15 आंसर देंगे, 2 मार्क्स यानी 30 मार्क्स का लघु उत्तरीय हो गया। और दीर्घ जो है 8 दीर्घ में से आपको 4 ही दीर्घ जो आपको आता है वही देना है, और 4×25 20 यानी 50 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव हो गया और 50 का ऑब्जेक्टिव हो गया। ये कुछ बेसिक सा निर्देश दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित 7 बस 19 प्रश्नों में से जो है कि 50 के ही उत्तर दें, यानी 7 में से आपको 50 का ही उत्तर देना है आपको एग्ज़ाम में OMR सीट पर। तो ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। और ये जो अभी 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, 60 का 60 ऑब्जेक्टिव अभी कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मॉडल सेट प्रोवाइड करेंगे इस तरह का, लगभग मानो आपको 15 सेट प्रोवाइड कर देंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है। तो इसमें से होगा क्या, आपको सारे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब ये फिक्स है कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको आज का क्वेश्चन का लेवल से ही पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। और इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं, तो न्यू चैनल का मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी चैनल पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल असनगर के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए। आपके पास 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोद्रो, कालीबंगा और लोथल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोद्रो। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल असनगर के अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये मोहनजोद्रो से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये आप पूरी तरह से याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल असनगर की जो है अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है?
लोथल जो है पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे जो है स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है लोथल, तो भंगवा नदी के किनारे जो स्थित है लोथल। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, भंगवा। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो भंगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन इंडिका के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इंडिका के लेखक जो हैं कौन है, तो कौन है, तो मेगस्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, मेगस्थनीज। तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इंडिका के लेखक जो हैं कौन है, तो मेगस्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर फोर कहता है गुप्त काल में जो है कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था। गुप्त काल में जो है पूछा जा रहा है कौन चीनी यात्री जो कि भारत आया था। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फायान। तो फायान जो कि गुप्त काल में जो है चीनी यात्री भारत आया था, और गुप्त काल में जो है चीनी यात्री कौन आया था, तो फायान। और कौन से काल में आया था, तो गुप्त काल में, ये भी याद रखना है। तो फायान जो है कौन से काल में आया था, तो गुप्त काल में आया था, और ये कौन सी यात्री है, तो ये चीनी यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की जो है संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, 18। तो पुराणों की संख्या जो है कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स कहा जा रहा है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के जो है महत्व पर किसने विचार जो है व्यक्त किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी ने, यानी महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों जो कि श्रीमद् भागवत गीता पर जो है ये अपना सब जो है विचार व्यक्त किए हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने, कौन कौन, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आपको उचित तरह से याद रखना है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किया, तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो है नया सिद्धांत जो है क्या जोड़ा है। महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के जो है सिद्धांत में जो है नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य जो है ये नया सिद्धांत जोड़ा है, कौन, महावीर ने। तो महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर एट कहा जा रहा है अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ अव कब नियुक्त किया। ये कहता है अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने टोडरमल को जो है दीवान ए अशरफ नियुक्त किया, कब, तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है फतेहपुर सिकरी को जो है राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सिकरी को जो है राजधानी जो है किसने बनवाया। आपके पास चार ऑप्शन है, बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने फतेहपुर सिकरी को जो है राजधानी बनाया था। तो आंसर क्या हो गया, आंसर अकबर हो गया। तो फतेहपुर सिकरी को जो है राजधानी किसने बनाया, तो अकबर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले अगर आपको लोग को वीडियो पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है कब शुरू किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है कब शुरू किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1581 ईस्वी में जो है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है शुरू किया था, कब, तो 1581 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 कहता है निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो है किस जो है सूफी सिलसिले से संबंधित है। आपके पास ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो चिश्ती से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, चिश्ती। तो निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बारह कहा जा रहा है इब्न बतूता ने जो है अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने जो है अपनी यात्रा का जो है विवरण किस भाषा में लिखा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, क्योंकि फारसी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। कौन से भाषा में, तो फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर तेरह कहा जा रहा है दामिन इको क्या था। दामिन इको जो है क्या था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूभाग है। तो दामिन इको जो है ये क्या है, ये भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कार्नवालिस स्क्वाड कब बना। कार्नवालिस जो है ये स्क्वाड जो है कब बना था, कौन से ईस्वी में जो है कार्नवालिस स्क्वाड बना था। तो ये जो है 1793 ईस्वी में जो है कार्नवालिस स्क्वाड बना, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया राइट आंसर, 1793 ईस्वी में। तो कार्नवालिस स्क्वाड जो है कब बना, तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बिहार के जगदीशपुर में जो है क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया। बिहार के जो है जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, कुंवर सिंह। तो बिहार के जो है जगदीशपुर में जो है क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और ये भी इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार के जो है किस में जो है क्रांति का नेतृत्व किया था, तो जगदीशपुर में किया था। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 कहता है महलवारी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया। महलवारी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया, तो किसके द्वारा लागू किया गया, तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, मार्टिन वर्ड। तो महलवारी बंदोबस्त जो है ये जो है किसके द्वारा लागू किया गया, तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डक्कन दंगा जो है आयोग कब गठित हुआ। डक्कन दंगा जो है आयोग ये पूछा जा रहा है कब गठित हुआ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875 ईस्वी में जो है डक्कन दंगा आयोग गठित हुआ। कब, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है पटना में 1857 की जो है क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पटना में जो है 1857 में जो है क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया, तो पीर अली ने किया। कौन कहे, तो पीर अली, जो कि पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, पीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है किस स्थान पर हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था, तो काशी में हुआ था। तो ऑप्शन मेरा बी हो गया राइट आंसर, काशी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था, तो काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। द ग्रेट रिवॉल्ट जो है नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता लिखे हैं। किसने लिखी है, तो अशोक मेहता। तो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, तो अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में 21 कहता है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, यानी स्थानांतरित जो है कब हुई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, पहले कलकत्ता थी, अब क्या हो गई, दिल्ली हो गई, ये पूछा जा रहा है कब स्थानांतरित हुई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में हुई। तो भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है कब स्थानांतरित हुई,
तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब अधिकार किया, तो कब अधिकार जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर किया था, तो 1510, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाली ने जो है गोवा पर अधिकार किया था। कब किया था, तो 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सात द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है। सात द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो बम्बई को। बम्बई को जो है सात द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो बम्बई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज से है। चंपारण सत्याग्रह का जो है संबंध किस राज से है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार राज से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है, और बिहार राज में ही जो है रामधारी सिंह दिनकर भी जो है कौन से राज से हैं, तो बिहार राज से ही हैं। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज से है, तो बिहार राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है किस वर्ष हुई। बंगाल के विभाजन की जो है घोषणा जो है किस वर्ष हुई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी में जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी, यानी उस दिन जो है घोषणा यानी जो अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया था। कब, तो 1905 ईस्वी में। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसने दिया, और एक होता है किसने प्रयोग किया, तो दोनों का आंसर डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है। तो पाकिस्तान शब्द जो है जिन्ना ने दिया, तो ऑप्शन ए होगा, ये आपको कंफर्म होकर याद रखना है। तो पाकिस्तान शब्द जो है ये किसने दिया, तो जिन्ना ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है संविधान सभा की जो है प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की जो है प्ररूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का जो है पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं समझ में कि ये नहीं था, लियाकत अली था, ये था, ये था, मतलब इसमें कन्फ्यूज नहीं, जितने भी बता रहे हैं करेक्ट है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा 100%, अगर आप लोग श्योर होते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, तो उसका हम एक बार रिविजन देख लेंगे, फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, और उसका पिन भी कर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मगध की राजधानी कहाँ थी। मगध की जो है राजधानी कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो मगध की राजधानी जो है कहाँ पर थी, तो पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, तो ऑप्शन नंबर
सी हो गया राइट आंसर पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कहता है अर्थशास्त्र के जो है लेखक जो है कौन है। बहुत बार ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है, कौटिल्य हैं। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है, तो कौटिल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अशोक ने किस अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। अशोक ने जो है किस अभिलेख पर जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां युद्ध पर जो है अशोक ने जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया। कौन से युद्ध का जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, अशोक ने जो है किस अभिलेख पर कलिंग युद्ध यानी कलिंग युद्ध का जो है वर्णन जो है कौन से स्थान पर किया गया था। तो 13वां स्थान, ठीक है, आपको याद रखना है 13वां स्थान पर जो है अशोक ने जो है अपने अभिलेख जो है कलिंग युद्ध में वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है प्रयाग प्रस्थी की रचना जो है किसने की थी। प्रयाग प्रस्थी की रचना जो है किसने की थी, तो हरिसेन, यानी ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर हरिसेन। तो प्रयाग प्रस्थी की रचना जो है किसने की थी, तो हरिसेन ने प्रयाग प्रस्थी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्रथम बहु संगीति जो है किस शासक के काल में हुआ था। प्रथम बहु संगीति जो है किस शासक के काल में हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के काल में जो है प्रथम बहु संगीति शासक के काल में हुआ था, ठीक है। तो प्रथम बहु संगीति जो है किस शासक के काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 36 यानी क्वेश्चन में 36 यहाँ पर कहा जा रहा है शपूत, शपूत का जो है संबंध जो है किस धर्म से है। शपूत का जो है संबंध किस धर्म से है। आपके चार ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से शपूत का संबंध है। तो शपूत का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 37, क्वेश्चन में 37 कहता है अकबर का जो है वित्त मंत्री कौन था। अकबर का जो है वित्त मंत्री कौन था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, टोडरमल था। कौन था, तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। आपको उचित तरह से याद रखना है टोडरमल क्या था, तो अकबर का वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने शुरू किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो है किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आप इसे इस तरह याद रखने, कुतुब तो कुतुबुद्दीन, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यहाँ पर जजिया, जजिया जो है किससे लिया जाता था। जजिया यहाँ पर पूछा जा रहा है किससे लिया जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमियों से। जमियों से जो है जजिया लिया जाता था, ठीक है। तो आपको याद रखना है जजिया जो है किससे लिया जाता था, तो जमियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये देखो 1526 यानी ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पी में है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 41, क्वेश्चन में 41 कहता है हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर से संबंधित है हम्पी। हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर से संबंधित है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हम्पी में ही स्थित है। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर हम्पी। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है,
तो हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक जो है कौन थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी वासवन्ना था। कौन था, तो वासवन्ना जो कि वीर शैव और लिंगायत आंदोलन के जनक थे। कौन थे, तो वासवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो है किस संत ने किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है आरंभ जो है किस संत ने किया, तो रामानंद ने किया। ऑप्शन ए हुआ राइट आंसर, रामानंद। तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था, तो रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का क्या किया था, शुरुआत किया था। ऑप्शन ए हुआ राइट आंसर, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विजयक में जो है किस संत का उपदेशक संग्रहित है। विजयक में जो है किस संत का जो है उपदेशक संग्रहित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर का। कबीर का जो है उपदेशक जो है ये संग्रहित है। तो विजयक में जो है किस संत का जो है उपदेश संग्रहित है, तो कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मार्को पोलो जो है किस देश का निवासी था। मार्को पोलो जो है किस देश का निवासी था, तो इटली का निवासी, यानी ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, इटली। तो मार्को पोलो जो है किस देश का निवासी था, तो इटली का निवासी था मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 47, क्वेश्चन में 47 कहता है किताब उल हिंद की रचना जो है किस भाषा में हुई। किताब उल हिंद की रचना जो है किस भाषा में हुई, आपके पास चार ऑप्शन है संस्कृत पाली उर्दू अरबी। तो किताब उल हिंद की रचना जो है ये अरबी भाषा में हुई, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, अरबी। तो किताब उल हिंद की रचना जो है किस भाषा में हुई, तो अरबी भाषा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है टेवर्नियर, टेवर्नियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। टेवर्नियर जो है किसके शासनकाल में जो है भारत आया था, तो ये शाहजहां के जो है शासनकाल में जो है टेवर्नियर जो है ये आया था। तो टेवर्नियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना जो है ये 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई, तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसको जो है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसको जो है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है शुरू करने का जो है श्रेय दिया जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को जो है यह श्रेय दिया जाता है। किस चीज़ के लिए जो है यह श्रेय दिया जाता है, तो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, किसको, तो लॉर्ड कार्नवालिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर एग्जाम में देना है, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के जो है सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, ब्रह्मचर्य सिद्धांत को महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की जो है संज्ञा दी गई है, तो समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने किया। एलोरा के जो है कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने किया, यहाँ पर पूछा जा रहा है एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका जो है निर्माण जो है किस राजवंश ने किया, तो किस राजवंश ने किया,
तो राष्ट्रकूट ने किया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, राष्ट्रकूट। तो इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस वंश ने किया, तो राष्ट्रकूट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है शपूत का संबंध किस धर्म से है, शपूत का जो है संबंध जो है किस धर्म से है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से शपूत का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 55 कहता है जीवक जो है किस वंश के काल में था, जीवक जो है किस वंश के काल में था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियक वंश के काल में जीवक था। तो जीवक जो है किस वंश के काल में था, तो हरियक वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो है कहाँ पर ये मिला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरन सागर में मिला था 510 ईस्वी में। कब मिला था, तो 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो है कहाँ पर मिला था, तो एरन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 57 कहता है अशोक की जो है राज आरोहण तिथि क्या है, अशोक की राज आरोहण की जो है तिथि जो है क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 269 से 268 ईसा पूर्व। अब देखो यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा है, तो ईसा पूर्व में होता था क्या, उल्टा होता था, जैसे गिनती है तो 10, 9, 8, 7 इस तरह ईसा पूर्व में गिनती होता था, ठीक है, तो इसलिए 269 से 268 ईसा पूर्व यहाँ पर आंसर होगा। तो अशोक की जो है राजरोहण तिथि जो है क्या है, तो 269 से 268 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है, कनिष्क की जो है राजरोहण की जो है तिथि क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। तो कनिष्क की जो है राजरोहण तिथि जो है क्या है, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक चला, महाभारत की जो है युद्ध जो है यह कितने दिनों तक चला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिनों तक चला था महाभारत की युद्ध। तो महाभारत की युद्ध जो है कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है अलबिरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, अलबिरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, महमूद गजनबी के साथ जो है अलबिरूनी जो है भारत आया था। तो अलबिरूनी जो है किसके साथ जो है भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ अलबिरूनी भारत आया था। और यहाँ पर जरूरी सूचना आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं पीडीएफ और क्विज़ के लिए, यानी जितने भी क्वेश्चन हुआ इसका आप लोग क्विज़ करने चाहते हैं, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और न्यू चैनल जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाकर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में उस न्यू चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ और क्विज़ के लिए आपको टेलीग्राम में डाउनलोड जुड़ जाना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, वहां पर मेरा चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।